ब्रॉट टू यू बाय आईटीसी सनराइज मसाले स्वाद बिहार का। बिहार में गधे की मौत पर ऐसा बवाल कटा कि 55 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो गई। मामला बिहार के बक्सर इलाके का है, जहां पर एक गधे की मौत बिजली का करंट लगने से हो गई। गधे की मौत से गांव वाले नाराज हो गए और उन्होंने पूरा गुस्सा बिजली विभाग के स्थानीय कार्यालय पे उतार दिया और जमकर हंगामा मचाया। ये पूरी घटना बक्सर जिले के केसट ब्लॉक के रामपुर गांव की है। गांव में रहने वाले ददन रजक के पास 4 गधे थे। ददन इनका इस्तेमाल ईंट भट्टे में ईंट आदि सामान ढोने के लिए करते थे। बीते रोज जब वे अपने चारों गधों को लेकर काम पर जा रहे थे, तो रास्ते में ही बिजली पोल से उनका एक गधा चिपक गया। बिजली पोल के फॉल्ट की वजह से करंट सप्लाई हो रहा था और करंट के चपेट में आने की वजह से 4 में से एक गधे की मौत हो गई और शेष 3 गधे घायल हो गए। आप ये जानकर आश्चर्य करेंगे कि बक्सर में एक घटना काफी तूल पकड़ रही है, उसकी वजह में है गधा। एक गधे की मौत के बाद 65 लोगों पर पुलिस FIR दर्ज किया गया है और इसमें 65 लोगों की गिरफ्तारी का पुलिस के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इस पूरे घटना के अगर तक जाए तो 11 तारीख की शाम को नावा नगर के रामपुर गांव में बिजली के पोल में करंट आ रहा था, उसके बाद वहां से गधों का झुंड गुजरने लगा। उसके बाद गधे के झुंड में एक गधा करंट में जाकर फंस गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद गांव के ही उप मुखिया और गधे के मालिक के द्वारा इस पूरे मामले में संज्ञान लिया गया और गांव के कुछ लोग जो ये मानते हैं कि पुलिस विभाग की लापरवाही के चलते गधे की मौत हुई थी, कोई और भी व्यक्ति मर सकता था, नज़दीक के ही जो पावर सप्लाई सेंटर है वहां पर पहुंचे और उनके द्वारा पावर सप्लाई सेंटर पर जमकर हंगामा किया गया। इस हंगामे में 3 घंटे बिजली बाधित रही। उसके बाद से बिजली विभाग के इंजीनियर के द्वारा इस पूरे मामले में FIR दर्ज किया गया और FIR में 5 व्यक्तियों को नामजद के साथ 55 लोगों पर FIR दर्ज किया गया है। अब ऐसे में ये मामला तूल पकड़ चुका है। इस बात को लेकर बक्सर SP बताते हैं कि जो FIR दर्ज किया गया है लोगों पर जेन्युइन है, क्योंकि 3 घंटे बिजली सप्लाई बंद थी उनके हंगामे के चलते, जिससे काफ़ी लोग प्रभावित किए हुए हैं और इस पूरे मामले में कार्रवाई होगी। अब इस पूरे मामले का दूसरा पक्ष जाने तो गधा के मृत्यु के बाद गधा के मालिक के द्वारा OP में ही जो वासुदेवा OP है वहां पर मामला दर्ज कराया गया था, जिसको पुलिस कहती है कि उनके द्वारा सनहा दर्ज कराया गया है। हालांकि जानकार बताते हैं कि सनहा 24 घंटे के अंदर FIR में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन पुलिस ने इस पूरे मसले में FIR में कन्वर्ट नहीं किया, अभी भी सनहा बना हुआ है। SP कहते हैं कि अगर वो उस पूरे मसले को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और जैसा भी होगा उचित कार्रवाई की जाएगी। देखिए, उन्होंने कानून को भी एक तरह से अपने हाथ में लिया, जो उनको नहीं लेना चाहिए था। उसके लिए अन्य आगंतुकों को कोई आक्रोश था उसके बारे में, कई तरीके से वो अपनी बात को रख सकते थे, सक्षम पदाधिकारी के पास रखते थे, न्यायालय में माननीय न्यायालय में भी रख सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं रखा, जिससे क्या है कि एक तो सरकारी कार्य भी बाधित हुआ। इसके अतिरिक्त ये क्या है कि आमजनों को भी उससे असुविधा हुई, क्योंकि 3 घंटे की पावर जो है वो सिर्फ इसलिए बंद हुई क्योंकि वहाँ पे पावर जो मशीन थी उनको बंद कर दिया गया, उनको फोर्सफुली वहाँ पे ताला लगा। गधे की मौत से नाराज गांव वालों ने बिजली विभाग के दफ्तर में घुसकर आसपास के 50 गांवों की बिजली सप्लाई बाधित कर दी, जिसके बाद बिजली विभाग के इंजीनियर ने हंगामा करने वाले 55 लोगों पर शासकीय कार्य में बाधा और शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की विभिन्न धाराओं में FIR दर्ज करा दी। हालांकि ये मामला तूल पकड़ चुका है, कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी यह मामला आ चुका है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि गधे के मौत के बाद हुए 65 लोगों पर FIR का ये खबर किस करवट बदलता है। बिहार तक के लिए बक्सर से पुष्पेंद्र पांडे।